हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुमन ढाका चैनल में। तो दोस्तों देखिए, सर्दियों का टाइम आ गया है और सर्दियों के टाइम में जो मूंग दाल का हलवा होता है वो सभी को बहुत ही पसंद होता है। स्पेशली जो शादियों में बनता है वो वाला मूंग का दाल का जो हलवा है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो क्यों ना दोस्तों, आज हम शादियों में बनने वाला जो मूंग दाल का हलवा होता है उसको घर में बनाने की कोशिश करेंगे और सेम वैसा का वैसा ही हलवा हम बना के तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ एक अलग और बहुत ही सरल सा तरीका शादियों वाला मूंग दाल का हलवा बनाने का। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बता देती हूँ कि ये जो मूंग दाल है इसको हमारे यहाँ राजस्थान में मूंग मोगर बोलते हैं। इस दाल का जो हलवा हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। वैसे ये मूंग की दाल है पर ये छिलका उतार के और उसके बाद में जो पॉलिश नहीं होती वो वाली दाल है ये। और स्पेशली जब ये वाला हलवा बनाना हो तो उसको पॉलिश, बिना पॉलिश की जो दाल होती है वो ही लोगे तो बहुत अच्छा बनेगा। उसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसका पेस्ट बना लिया बिना पानी के। एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप इस दाल को पीसो तो इसमें से पानी पूरा निकाल दीजिए, बिल्कुल भी पानी मत रखिए। अगर आपको ऐसा लगे कि दाल नहीं पिस रही है तो 1-2 चम्मच आप पानी की डाल दीजिए। उसके बाद में पीसने के बाद में कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया। मैंने 1/2 किलो मूंग दाल ली थी तो घी मैंने थोड़ा सा कम डाला, 300 से 350 ग्राम के लगभग ये घी डाल दिया है कढ़ाई में। तो घी गर्म हो उससे पहले ही हमें मूंग दाल डाल देनी है। अगर गर्म घी में हम डालेंगे तो दाल की गुठलियाँ बन जाएंगी। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब हम घी में डालेंगे, घी में जब मूंग दाल को, तो ऐसा लगेगा जैसे चिपक गई है पूरी, पर वो ऐसे ही लगता है एक बार में। अगर आप उसको डालते मिलाते जाओगे तो सही हो जाएगी। और देखिए थोड़ा सा जब वो मिक्स हो गई अच्छे से पूरी कढ़ाई घी को, मतलब इसके अंदर पूरा घी चला गया दाल के अंदर, और ये जब हम सेकने की उसमें आ गई कि इसको हमें सेकना है, उस टाइम हमें थोड़ी सी इसमें सूजी मिला देंगे। और आज हम जो हलवा तैयार करेंगे वो दूध की चाशनी बना के उसके साथ करेंगे। तो ये मैंने दूध की चाशनी बना दी है। चाशनी नहीं बनानी है हमें, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस हमें जो दूध है उसको गर्म करके और उसके अंदर जितनी आपको मीठा पसंद है उतना उसके अंदर डाल लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप मूंग दाल का हलवा बनाओ तो उसको धीमी आंच पे पकाओ। अगर धीमी आंच पे पकाओगे तो आपका हलवा बहुत शानदार बनकर तैयार होगा। और इधर दूध में देखिए पूरा जो चीनी थी वो मिल चुकी है और जो हमारी दाल है पक के तैयार हो गई है, क्योंकि उसमें घी छोड़ दिया है। तो आपको आसानी से उस चीज़ का पता चल जाएगा कि जब दाल घी छोड़ देगी तो मतलब दाल है वो पक के अच्छे से तैयार हो गई है। और उसमें अब हम डाल देंगे वो चीनी वाला दूध इसके अंदर। तो ये देखिए, चीनी वाला दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर मावा भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं, पानी की चाशनी बना के वो भी डाल सकते हैं। फिर मैंने दूध के साथ में बनाया आज। तो देखिए कितना शानदार हलवा बनकर तैयार हो गया दोस्तों, कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको फिर मिलूँगी ऐसी ही अलग अलग रेसिपीज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।